नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुभाष और आप देख रहे हैं शुभ प्रिडिक्शन। दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार इस नई वाली वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया और साउथ अफ्रीका बीच में खेले जा रहे T20 सीरीज, इसकी जो मैच नंबर 2 होने वाला है, इस वाली मैच को कौन सी टीम विन करने वाली है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दोस्तों इस मैच में क्या क्या होने वाला है इसकी पूरी प्रिडिक्शन देने वाला हूँ। दोस्तों ये मैच नंबर 2 इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा। इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये मैच 2 अक्टूबर 2022 शाम को 7:30 पे शुरू होता हुआ आपको दिख जाएगा। और दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका बीच में जो पहला मैच खेला जा चुका है इसके ऊपर नजर डाले तो यहाँ पे पहले टीम इंडिया ने टॉस विन किए थे और पहले फील्डिंग करने की फैसला लिए और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग किए, इनके 15 बॉल के अंदर 9 रन बना के 5 विकेट गवा दिए थे। साउथ अफ्रीका के ये 5 विकेट जाने के बाद खेलने के लिए मैदान में पहुंचे केशव नाराज, फॉर्नेल और लोवेर अर्डर, इन्होंने जैसे भी करके 20 ओवर तक ये मैच को लेके गए और 8 विकेट से 106 रन बनाए। और यहाँ पे टीम इंडिया ने 16 ओवर 4 बॉल खेल के 2 विकेट से 110 रन बना इस वाली मैच को विन कर लिए थे। दोस्तों ये तो थे इन दोनों टीम की पहला मैच की रिपोर्ट्स। अब दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं, मैं आपको इनका जो दूसरा मैच खेला जाएगा यहाँ की पिच रिपोर्ट में आपको दे देता हूँ। दोस्तों ये मैच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है जो की गुवाहाटी में है। इस वाली मैदान में टोटल 2 मैच खेले गए हैं। यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम कोई भी मैच विन नहीं की है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 1 मैच में विन किए हैं। बाकी बारिश के कारण दूसरा मैच की कोई भी रिजल्ट नहीं आए थे। और दोस्तों यहाँ पे बारिश होने की 61% चांसेस रहता है। यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम की एवरेज स्कोर 118 देखने को मिला है तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम की एवरेज स्कोर 109 रन देखने को मिला है, जो कि 9 रन कम देखने को मिला है। यहाँ पे आपको पहले बैटिंग करने वाली टीम की हाई स्कोर 130 से 150 देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप सभी को इससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको टॉस, सेशन, मैच विनर और भी कई चीज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप बाहर से पेड़ पे लेते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बार दोनों ही टीम के कैप्टनों की कंपैरिजन करके बता देता हूँ। यहाँ पे पहले बात टीम इंडिया की कैप्टन के तो इनके कैप्टन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने लास्ट 3 T20 मैच खेल के 63 रन बनाए हैं, जबकि इनका स्ट्राइक रेट 133.36 की और इनका एवरेज है 21 अभी जो फिलहाल चालू है। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो इनके कैप्टन है टिम्बा बबुआ, 3 T20 मैच खेल के 16 रन बनाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट 103.36 की और इनका एवरेज 5 देखने को मिला है। दोस्तों आपने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जबकि हमारा नया नया वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच सके। अब दोस्तों वीडियो में आगे चलते हुए दोनों ही टीम के स्टार बैट्समैन और बॉलर की बात करते हैं और इन दोनों टीम की प्लेइंग 11 भी जान लेते हैं। प्लेइंग 11 की रिपोर्ट के हिसाब से टीम इंडिया की बात करें तो इनके ओपनिंग में आते हैं रोहित शर्मा के साथ KL राहुल, तीसरे नंबर में आते हैं विराट कोहली, चौथे नंबर में आते हैं सूर्य कुमार यादव, पांचवें नंबर में आते हैं ऋषभ पंत, छठे नंबर में आते हैं दिनेश कार्तिक, सातवें नंबर में आते हैं अक्षर पटेल, आठवें नंबर में आते हैं रविचंद्रन अश्विन या फिर MD सिराज खेलते हुए दिखने वाले हैं, नौ नंबर में दीपक चहर, दसवें नंबर में हर्षल पटेल या फिर मोहम्मद सिराज, इन दोनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर खेलते हुए दिखने वाला है, ग्यारह नंबर में आते हैं अर्षदीप सिंह। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके ओपनिंग में आते हैं क्वेंटन डिकर के साथ टिम्बा बबुमा दिखने वाले हैं, तीसरे नंबर में रिले रोशोव, चौथे नंबर में आदम मार्करम, पांचवें नंबर में डेविड मिलर, छठे नंबर में क्रिस्टन स्टॉप, सातवें नंबर में वेनी पार्नेल, आठ नंबर में केशव नाराज, नौ नंबर में कगिसोर रवाड़ा, दस नंबर में अनरिच नोर्तेज और आखिरी में ग्यारह नंबर में केशव महाराज खेलते हुए दिखने वाले हैं। दोस्तों ये तो हो गई दोनों ही टीम की प्लेइंग 11। अब दोस्तों इन दोनों टीम की हेड टू हेड के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों हेड टू हेड के हिसाब से इन दोनों टीम के बीच में टोटल 20 मैच खेले गए हैं, जबकि टीम इंडिया ने 12 मैच में विन किए हैं तो साउथ अफ्रीका ने 8 मैच विन किए हैं। इन दोनों टीम के बीच जो लास्ट 5 मैच खेले गए हैं इनमें से टीम इंडिया ने 3 मैच में विन किए हैं और साउथ अफ्रीका ने 2 मैच में विन किए हैं। दोस्तों ये तो थे इस वाली मैच की पूरी रिपोर्ट्स और पूरी प्रेडिक्शन। अब मैं आपको इस वाली मैच में कौन सी टीम विन करने वाली है इसकी विनर मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ की सारी रिपोर्ट्स और सारी स्टेट्स को देखने के बाद मुझे तो ये लगता है टीम इंडिया इस मैच को विन करने वाली है। बाकी ये तो क्रिकेट है दोस्तों, आपको भी पता है लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक।